अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दोस्त ने कहा है कि वो उर्दू दोस्त ने कहा है कि वो उर्दू में वाक्या सुनाए। एक वाक्या था, बुजुर्ग ने मिसाल दी थी। वो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक का जो है सांस निकाल रहे थे, जो उर्दू है उस पर गुजारा करें जितनी आती है, तो उनकी सांस निकाल रहे थे तो एक बंदे ने उनको देख लिया। उस बंदे ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जब मुझे मेरी सांस निकालने आओ या मेरी रूह निकालने आओ तो मुझे एक दो मंथ पहले पता ना कि मैं तौबा तायब हो जाऊं, यानी कि अपने बच्चों से भी मिल लूं सबसे, ये वो हाल वाल करके फिर मेरा टाइम बता देना, फिर मैं जो है आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, चला गया हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। और 3 5 6 साल के बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आया कि कहा कि भाई आपने तो वादा किया था कि मेरे साथ, तो आप जो हैं 3 4 मंथ पहले मुझे बताएंगे कि मुझे फिलहाल दिन आप मेरी जो सांसें हैं वो निकालेंगे, मुझे मारेंगे, और अभी तो आप आके खड़े होंगे, मैंने तो किसी के साथ कोई माफ़ी तलाफी भी नहीं की। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने वादे पे कायम हूँ। और उन्होंने कहा कि वो कैसे, कि भाई ये पड़ोस में फिलहाल तुम्हारा दोस्त मर गया, जी हाँ मर गया, फिलहाल जो है तुम्हारा जो है कज़न मर गया, जी हाँ मर गया, जो तुम्हारा नौकर था वो मर गया, तुम्हारे रिश्तेदार थे 2 3 वो मर गए, जी हाँ मर गए, और जो तुम्हारा साथी थे यानी कि बहुत सारे पड़ोस में मर गए, तुमने सुना मर गए, जी हाँ मर गए। फिर तुमने कैसे समझा कि तुम सारी जिंदगी जिंदा रहोगे, यही मैसेज था कि तुम्हें भी जाना है, तैयारी पकड़ लो। तो खवातीन हजरात, ये दोस्त ने बहुत इल्तिजा की थी, मैंने सिंधी में टिकटॉक पर सुनाया था, अब उर्दू में सुनाया है, ये मैंने किसी बुजुर्ग के साथ सुना था। तो इंसान को जो है ना बस रब्बे आलमीन से रुजू करना चाहिए। हर कोई गुनाहगार है, बोर हुए हो तो माफ़ कीजिएगा आफाक पयार को। अगले व्लॉग के साथ मिलते हैं किसी ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। और हयात पयार ये देख रहा है, तारे फाड़ फाड़ के देख रहा है। हयात पयार ने देखा, हयात पयार को आपने देखा है कभी? हयात पयार को दिखा भाई, इधर कर मोबाइल को, मोबाइल हयात पयार, ये है रईस हयात पयार, ये है इधर, अगर तुम्हारी वो जो है ना वो अंगुली आ रही है भाई, अंगुली हटा, अंगुली हटा, अंगुली हटा भाई, अंगुली हटा। तो ये थी वाकया था जो सुनाया, मजाक मश्करी जिंदगी में होनी चाहिए, वैसे इंसान बोर होता है, क्या मिला है ना ना रईस, कुछ फरमाए, लफज सम फरमाए, लफ्ज ये कि अल्फाज नहीं मिल रहे क्यों नहीं मिल रहे अल्फाज, क्यों नहीं मिल रहे, खत्म हो गए, क्यों खत्म हो, खत्म इसलिए तुम्हारा वजन क्यों कम हो गया, मेरा हाँ खाता पीता कम हो गया, खाता कोई टेंशन है, कोई इश्क है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे खवातीन हजरात से। ये हमारे छोटे छोटे व्लॉग होते हैं, हम दोस्त जो हैं काफी मैसेजेस करते हैं, उनकी वजह से बनाते हैं, तो बस उनकी मेहरबानी है, देखते हैं बर्दाश्त करते हैं। और जो है इस पर एक रईस हयात लास्ट में शेर सुनाएगा और फिर हम इख्तिताम पजीर होंगे। आ रईस हयात में शेर ये है कि सफर खत्म हो गया क्यों सफर खत्म हो गया, शेर शेर सुना भाई, ये जाएगा वीडियो, शेर आता ही नहीं है, कौन सा सुनाओ, सुनाओ कोई ना कोई सुनाओ, मुझे क्यों गया, गूगल पे देखो, गूगल में नहीं भाई, बताओ ना, गूगल में नहीं भाई, इधर बताओ शेर, बताओ अब बताओ शेर, कौन सा बताऊं, बताओ चूड़ी जो खन के हाथों में याद पिया क्या नहीं लगी क्या बताया, चूड़ी जो चूड़ी जो खंड के हाथों में याद पिया जाने लगी अब इसकी भी पिया है खुदा का कार बड़ी मेहरबानी, मजाक मश्करी हो गई और आपको वाकया भी सुनाया, और मेहरबानी, थैंक यू। अल्लाह पाक पाकिस्तान को शाद आबाद रखे, बेरोजगारों को अल्लाह पाक रोजगार दे, और जो बेटियां हैं उनको जो है अच्छे जो है शोहर अता करे, जो शादी के इंतज़ार में हैं, जिनके बेटे नाफरमान हैं उनको फरमा बरदार करे। आमीन सुम आमीन, अल्लाह।